ओबीसी कोटा बढ़ाने के लिए ओबीसी वर्ग के लोग हमेशा आवाज उठाते रहे, और हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें संज्ञान लिया है, और मुझे लगता है कि इसके पर विचार किया जा रहा है, एक निर्णय कुछ लिया जाएगा ताकि इन लोगों का मांग जो रखा है। ये लोग सरकार बनने से पहले वादा किए थे कि इस बार सरकार गठन होगी तो ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा। तो हम लोग सरकार को जगाने आए हैं कि दो साल बीतने को है और अभी तक इस पर आप लोग चुप्पी तोड़ नहीं, कोई चर्चा नहीं है, तो इसको लेकर हम लोग सजग आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार भी जगी हुई है, लेकिन इतना गति चाहिए उतनी गति दिख नहीं रही थी, लेकिन तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि गति आई। अभी मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि ओबीसी का आरक्षण हम लोग दिला करेंगे, यही सरकार दिलाएगी। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50% से ज़्यादा हमारा आबादी होने के बाद भी ओबीसी का आरक्षण के मुद्दे को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। यहाँ पे देखिए, हमारे बगल के राज्य में 34% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, कर्नाटका में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में देखिए, हर जगह आप देखिए, इससे कम कहीं नहीं है, झारखंड से कम। हमको लगता है कि इंडिया में एक ही राज्य है जहाँ पे ओबीसी 50% से ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पे रिजर्वेशन में ओबीसी को 14% मिलता है, और ओबीसी के नाम पे जो वैकेंसीज निकाले जाते हैं उसमें सिर्फ जनरल को दिया जाता है जगह और बाहरी लोगों को जगह दिया जाता है। ऐसे कई साक्ष्य हैं जो मैं आपके सामने लाऊंगी, जिसमें मैं बहुत अध्ययन भी कर रही हूँ, और मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है उन चीज़ों को लेकर कि आज तक जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं बाहरी लोगों ने उस ओबीसी का भी जगह ले लिया है, और ओबीसी को बस नाम मात्र का दिखाया जा रहा है कि आपको 10% आरक्षण मिला है, जबकि उल्टा हो गया है, बाहर के लोगों को आरक्षण मिल गया है। वो लोग स्थानीय जो होता है कि जो प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र यहाँ पे बनवा लिए या उनके फादर काम करते थे उनके नाम पे बनवा के बाहरी लोग यहाँ पे ओबीसी के नाम पे मतलब उनको मिल गया है जो 10% भी था। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।